अभी हूँ सोनप्रयाग और फिलहाल जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप लोग ऑनलाइन करके आना, लेकिन हमको यहाँ पे करना होगा। चलिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो मिल गया है फ्री में। अगर ऑनलाइन करोगे तो थोड़ा भाई पैसा तो पे करना पड़ेगा, 100-150 ऐसे लगेगा, लेकिन यहाँ पे फ्री में मिल जाता है। तो अभी निकलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ आप सबका होस्ट ओशिम और मैं आज आप सबको घुमाने लेके जाऊंगा देवभूमि केदारनाथ बाबा का मंदिर। और सो चलिए दोस्तों, आप सब मिल के मेरा साथ और दर्शन करते केदारनाथ बाबा का मंदिर। चलिए तो गाइस, ये है गौरी कुंड और यहाँ से शुरू होता है ट्रेकिंग। मतलब यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। और ये देखिए, देखिए यहाँ का जो फेंसिंग है टूटा हुआ है। और आप लोग प्लीज़ ऐसा साइड में मत चलिए, क्योंकि खच्चर और घुरा ऐसा चलता है ना, धक्का लग जाएगा तो भाई आप सीधा खाई में गिर जाओगे। ये देखिए बहुत डेंजर है। तो फिलहाल मैं हूँ एलिपेट और सुबह 8 बजे मैं ट्रैकिंग शुरू किया था, 1 बज गए हैं। और अभी सोचे चलो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि सब यात्री अभी रेस्ट कर रहे हैं। सोचा चलो यहाँ पे अभी खीरा खा के निकल जाऊँगा। यहाँ पे है ना लोगों से ज़्यादा घोड़े और खच्चर लगता है भाई, तो आप लोग भी आइए लेकिन केयरफुल रहना, नहीं तो भाई धक्का लगा देगा और आप खाई में गिर जाओगे। ये देखो ये भी टूट गया है, लैंडस्लाइड गिरा है होगा, लैंडस्लाइड की वजह से ऐसा हुआ है। और बारिश का टाइम पत्थर वगैरह गिरता है ना, तो ये हालात हुआ है। देख लो बहुत बिगड़ा हुआ है भाई। और अभी शाम का 4:30 बज रहे हैं और देखिए एकदम पीछे एकदम कुहरा कुहरा लग रहा है। अभी बारिश भी हो रहा है इसलिए एकदम रेनकोट वगैरह सब कुछ पहन लिए। अभी एक इमरजेंसी हेलीपैड में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ना, अभी रेस्ट कर रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि भाई अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। घोड़ा और खच्चर के लिए तो चलना मुश्किल हो गया है, लेकिन यहाँ से और 10 किलोमीटर है बाबा का दरबार, केदारनाथ बाबा का दरबार में जाने के लिए। भाई सोने का मन नहीं कर रहा, नींद नहीं आता है, मतलब नींद नहीं आ रहा है। और अचानक है ना बादल जो है ना भाई चेंज हो गया है भाई, ऐसा लग रहा है कि पहाड़, मतलब बादल का ऊपर पहाड़ लग रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि कोई पहाड़ का नीचे ना आग लगा दिया और धुआं धुआं एकदम दुनिया है ना एकदम ढक गया है भाई, तो ऐसा लग रहा है। तो गाइस अभी रात का 1 बज गए है और फिलहाल ट्रैकिंग तो चल ही रहा है भाई। घूमते घूमते अभी आ गए बर्फ। नहीं नहीं यहाँ पे कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, चले चाय पीते और बिस्किट खाते और यात्रा शुरू करते। हर हर महादेव। तो महादेव का नाम लेके निकल गए हैं और अभी 9:30 बज रहे हैं। तो भाई बहुत ही एक्साइटेड हूँ और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है भाई, सिर्फ 2 किलोमीटर है गाइस। मैं शॉर्टकट रूट पकड़ के ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि शॉर्टकट जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे कोई गिरने करने पुराने गिरने में आराम से जा सकता हूँ। मेरा पीछे जो देख रहे हैं ना, ये है बर्फ का लेयर और उसको काट के ना बीच से मतलब रास्ता बनाया गया है, वो रास्ता नहीं है। ये देखिए
हर हर महादेव। इस वक्त हम लोग हैं केदारनाथ। ये हमारे चार मुख्य धामों में से एक है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। इसकी स्थापना लगभग 5,500 साल पहले पांडवों ने किया था। कहानी ये था कि पांडवों को भोलेनाथ का दर्शन करना था और भोलेनाथ नंदी के रूप में उनको दर्शन दिए, तो भीम उनके पीछे भागे उनको पकड़ने के लिए। तो भीम ने उनका पूंछ पकड़ लिया पीछे से, नंदी महाराज का। तो वो आधा जमीन में जा चुके थे, तो जो आधा जमीन में जा चुके जो सिर है उनका, वो पशुपतिनाथ नेपाल में निकला और आधा हिस्सा इधर रह गया। तो मंदिर की स्थापना पांडवों ने की और लगभग 4,500 साल से ये दबा हुआ था बर्फ के अंदर, पूरा बर्फ में दबा हुआ था। और लगभग 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर की दोबारा स्थापना की, खोद के निकलवाया बर्फ में से। तब से लोगों का यहाँ आना जाना लगभग 1000 साल से शुरू हो गया। और 2013 की आपदा आई, तो जब चोराबारी झील थी उसके ऊपर बादल फटा और वो झील फट के पूरा बाढ़ इधर आया, तो एक बहुत बड़ा पत्थर आके मंदिर के पीछे रुक गया जिसका नाम है भीमशिला। लोग अब भी आके इसकी पूजा करते हैं और इस पत्थर के रुकने से पूरा बाढ़ का पानी डिवाइड हो गया, तो मंदिर का एक ईंट भी का भी नुकसान नहीं हुआ। तो लोग जब भी यहाँ पे आते हैं तो इस पत्थर का पूजा करते हैं। तो गाइस अभी जा रहा हूँ भैरव बाबा का मंदिर, क्योंकि केदारनाथ बाबा का दर्शन तो कर लिया, लेकिन यहाँ के लोगों को कहना है और पंडित जी को कहना है कि अगर यहाँ पे आके केदारनाथ घूम के आप भैरव बाबा का मंदिर आप नहीं घूमोगे तो थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। तो सोचा भाई इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गए तो भाई अधूरा किया रखूँ, चलिए चलते भैरव बाबा का मंदिर। तो भैरव बाबा का मंदिर पहुंच गया। हर हर महादेव। तो गैस आज का जो वीडियो मैं इधर ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल दबा देना। और भाई प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो भाई शेयर भी कर देना, और जिन्होंने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया ना, फॉलो भी कर लेना। हर हर महादेव।